ओके सो गाइस कैसे हो यार सब लोग। आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप एक इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकती हो। अगर आप इस तरह की अपनी खुद की फ़ोटो की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली। तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो को ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का निशान है उससे आपको प्रेस करना है। वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा प्लस का आइकन क्लिक करना है और कुछ साइज शो कर रहा आपको 9.16 वाला साइज सेलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा मीडिया क्लिक करना है और गाइज आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा बैकग्राउंड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ कलर शो कर रहा आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है और टिक पे क्लिक करना है। जो ब्लैक लेयर है इसकी लेंथ लंबी करनी है, सो लंबी कर लेता हूँ। ब्लैक लेयर पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपने इसकी लेंथ को इस तरीके से खींच कर लंबी कर लेनी है। गाइस देख लीजिए ब्लैक लेयर की लेंथ लंबी हो चुकी है, आपने इस तरीके से लंबी कर लेनी है। और अब करने क्या है, इसमें को फोटो ऐड करनी। ओके सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे, आपने को फोटो सिलेक्ट करनी। ओके तो मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ। गाइज देख लीजिए फोटो आ चुकी है। जो फोटो है इसका बैकग्राउंड इरेज, आपने एक इस तरह की फ़ोटो सेलेक्ट करनी जिसका बैकग्राउंड इरेज। अगर आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने एक वीडियो बना रखी, आप उस वीडियो को देखकर अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। ओके तो फोटो आ चुकी है। जो फोटो है इसकी लेंथ लंबी करनी, लंबी करने के बाद इस फोटो को सेट करना। ओके तुम इस फोटो को सेट कर ले तो जो फोटो है इसका साइज़ हल्का सा बड़ा कर लिया और यहाँ पे फोटो को सेट कर लेना। ठीक है तो गाइज देख लीजिए फोटो सेट हो चुकी है, आपने इस तरीके से फ़ोटो सेट करनी है। ओके फोटो सेट करने के बाद इसमें एक PNG ऐड करनी है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो PNG डाउनलोड कर रखी है आपने उस PNG को सिलेक्ट करना। ओके तो मैं PNG सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए PNG आ चुकी है। जो PNG है इसकी लेंथ लंबी करनी, लंबी करने के बाद जो PNG है इसका ब्लैक हटाना होगा, रिमूव करना होगा। रिमूव कर लेता हूँ। बगल में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं नीचे की स्कैन है और एक ऑप्शन आ चुका ब्लेंडिंग, क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रीन और डिक पे क्लिक करना है। जो गाइज PNG वाले लेयर है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका साइज़ हल्का सा बड़ा करना है और साइड में सेट कर लेना है। ठीक है तो गाइज मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। सेट करने के बाद टिक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए हमारी इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से वीडियो एडिट करनी है। अब करने क्या है, इसमें एक ब्लैक इमेज ऐड करनी है। ठीक है सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो ब्लैक इमेज डाउनलोड कर रखी है, ठीक है PNG आपने उसे सेलेक्ट करना है, तो मैं इस PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज PNG आ चुकी। जो PNG है इसकी लेंथ लंबी करनी, लंबी करने के बाद इस ब्लैक इमेज ठीक है PNG को इसका साइज़ बड़ा करना है और यहाँ पे सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट हो चुका है, टिक पे क्लिक करना है। बाद इसमें एक PNG और ऐड करनी है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो PNG डाउनलोड कर रखी है ठीक है आपने उसे सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। गाइज PNG आ चुकी है। इस PNG की लेंथ लंबी करनी है और इस PNG का साइज़ हल्का सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे सेट करना है ठीक है ब्लब के नीचे, तो यहाँ पे सेट करता हूँ। और साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा ओवरऑल एनिमेशन, क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन शो कर आपको सिलेक्ट करना है, फ्लिकर और टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद गाइज देख लीजिए फ्लिकर हो चुका है, इफेक्ट लग चुका है और इसमें एक इफेक्ट वीडियो और ऐड करनी है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने उसे सिलेक्ट करना है। ओके तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज वीडियो आ चुकी है। जो वीडियो है इसका साइज़ फुल करना है। फुल करने के बाद जो इफेक्ट वीडियो है क्लिक करना है। साइड में कुछ ऑप्शन हो गए नीचे की स्कैन है, एक ऑप्शन आ चुका ब्लेंडिंग, क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन शो कर आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रीन और एक पे क्लिक करना है। जो गाइज इफेक्ट वीडियो है इसमें कुछ साउंड है, इसे म्यूट करना होगा तो म्यूट कर लेता हूँ। जो इफेक्ट वाली वीडियो है क्लिक करना है। साइड में एक ऑप्शन से पूरा साउंड का आइकन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस लाइन को माइनस करना है या गाइज यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है जो इफेक्ट वीडियो में साउंड था गाइज म्यूट हो चुका, बंद हो चुका है और हमारी वीडियो में इफेक्ट ऐड हो चुका है। देख लीजिए इस तरीके से इफेक्ट ऐड हो चुका है, आपने इस तरीके से ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब करना क्या है, इसमें म्यूज़िक ऐड करना है और लिरिक्स वीडियो ऐड करने। ओके सो मैं ऐड करता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो लिरिक्स वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने उसे सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ।
वीडियो आ चुकी है। जो वीडियो है ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, इसका ग्रीन हटाना होगा, रिमूव करना होगा, तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। साइड में कुछ ऑप्शन अगर नीचे की स्क्रॉल करना, एक ऑप्शन आ चुका है क्रोमा की, क्लिक करना है, इस ऑप्शन का ओपन करना, एक ऑप्शन हो गया की कलर, आपने यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है और एडिट पे क्लिक करना है। जो गाइस साउंड वाले लेयर एक क्लिक करना है, ठीक है, इसका साइज़ आपको हल्का सा बड़ा करना है, बड़ा करने के बाद यहाँ पे सेट कर लेना इस तरीके से, तो मैं सेट करता हूँ। सेट करने के बाद गाइस देख लो वीडियो में साउंड ऐड हो चुका, लिरिक्स आना स्टार्ट हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड करना। ऐड करने के बाद इसमें एक लाइटिंग इफेक्ट और ऐड करना है, ओके, सो मैं ऐड करता हूँ उसे। लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, आपने उसे लाइटिंग इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो आ चुकी है, इसका साइज़ आपको फुल करना है। फुल करने के बाद जो लाइटिंग इफेक्ट वाली वीडियो क्लिक करना है और आपको जाना है ब्लेंडिंग पे और आपको सिलेक्ट कर लेना स्क्रीन, ओके। तो गाइज देख लीजिए वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से अपनी वीडियो एडिट कर लेनी और आपने देख लेनी आपने कितनी लंबी वीडियो बनानी, ओके। तो गाइज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 15 सेकंड की और यहाँ पर जो फालतू लेयर है आपको ट्रिम करनी है, तो मैं ट्रिम कर लेता हूँ। गाइज लेयर ट्रिम हो चुकी है, बाद इस वीडियो को सेव करना है अपने मोबाइल में, तो मैं सेव कर लेता हूँ। साइड में एक ऑप्शन वगैरह शेयर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी, क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर एक्सपोर्ट क्लिक करना, और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी।